गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं सिक्स स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। और आज हम उसके कंटिन्यूएशन के पार्ट के साथ आ चुके हैं। और आज हम स्टॉर्म और फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में कवर करने पा रहा हूँ। ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना कि आप ये सारी चीज़ें समझ जाए। दोस्तों अभी हम आ जाते हैं स्टॉर्म के ऊपर। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर कॉज चेंज इन वेदर रिजल्टिंग अ स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म। अभी क्या होता है जब हाई और लो एयर क्या होते हैं जब उनके मिसमैच हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है उन दोनों के बीच में ना लाइक मैं कैसे कहूँ एक प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो क्या होता है जब इन दोनों का जो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है वो प्रेशर बेल्ट एक साथ जाके इंपैक्ट कर देता है अर्थ के एटमॉस्फेयर और जो उसके विंड शुरू थी तो उसी विंड के कारण एक तो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स में बदल जाता है या एक स्टॉर्म ला देता है। दोस्तों इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टिंग रीजन्स टेरिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉरेस्ट फायर। अ फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन एन फॉरेस्ट पैसेज और ग्रीनलैंड ड्यू टू द नेचुरल और मैनमेड कॉजेज फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट एन ट्रेमेंडस स्पीड। अभी क्या होता है फॉरेस्ट फायर क्या है एक ऐसी आग जो जंगलों में नहीं बुझाई जाती अगर वहाँ पे बारिश नहीं आ जाती तो। एक तो ये नेचुरली हो जाता है अगर कहाँ पे थंडर स्टॉर्म वगैरह गिर गई तो उसके बाद जो आग लगती है तभी ये फॉरेस्ट फायर हो जाता है। वरना क्या होता है मैन मेड रीजन्स के भी कारण फॉरेस्ट फायर कभी लग जाती है। इफेक्ट्स ग्रेट डैमेज टू नेचर वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी पॉपुलेशन ऑफ एयर। ये दोनों चीज़ें होती हैं जब फॉरेस्ट फायर और स्टॉर्म्स। मैंने अभी यहाँ पे फॉरेस्ट फायर और स्टॉर्म्स को कवर कर दिया दोस्तों। अभी हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं रीमेडिडाइल एंड प्रिवेंटेशन मेजर्स। लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल और अन मैन मेड डिजास्टर। कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज एंड बुलेटिन्स। यूज बैटरीज ऑपरेटिंग रेडियोज एंड मोबाइल्स। हीड द वार्निंग यूज बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली। यूज द वेबसाइट www.imd.government.in। Landslides occur in the hilly areas due to the cloudburst or heavy rains. On such occasions, do not take shelter at a foot of a hill. During floods, do not litter in a house or areas on river banks. Seek shelter on an another safe surface. Do not linger in house. Move to a safer place in a great height. Do not step into the water currents or drive a vehicle into them. During a earthquake, roads slip open, the ground cracking, railway tracks get uprooted. Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is safe further on. Take shelter in relief camps as provide medicines, food packages, drinking water, first aid, etc. Take shelter in ये भी हो गया। टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स इन द पब्लिक प्लेस स्कूल्स हॉस्पिटल एंड रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। अभी ये हो गई थोड़ी सी प्रिवेंटेशन। मैं आपको ये सारी को एक्सप्लेन करता हूँ। आपको टीवी और रेडियो न्यूज़ कैसे देखनी चाहिए क्यों देखनी चाहिए ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किधर भी आपके एरिया में कहाँ भी अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले जाके आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि अर्थक्वेक के बारे में वो लोग क्या बता रहे हैं या कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है क्या, तो उसके हिसाब से आपको आगे के आपके स्टेप्स लेने चाहिए। imd.gov.in में जाके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे आपको जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो मिल जाएंगे। तो अभी क्लाउड बर्स्ट के कारण क्या होगा
आपको क्या करना है, एक शेल्टर शेल्टर लेना है, और वो फुट हिल के नीचे ना हो कृपया, लाइक सेफली कहाँ भी जाके कोई सेफ इसमें हो, और कहाँ भी लिंगर ना करे, कहाँ भी घूमे घर में, ऐसा नहीं है क्या अर्थक्वेक्स के टाइम आपको चुपचाप एक टेबल के नीचे जाके उसके नीचे जाके बैठ जाना है कि आपको कुछ ना होए, कुछ भी सामान गिरे तो वो टेबल के ऊपर गिरे, आपको कुछ ना है। अर्थक्वेक्स के टाइम ये सबसे ज़्यादा सेफ होता है। ड्यूरिंग फर्ज डू नॉट लिंगर, ये भी बात सही है, लिंगर ना करें ऑन द रिवर्स, लाइक जैसे ही फ्लड भरेगा आप डूब के मर भी सकते हो दोस्तों, वो भी एक ग्रेट एडवांटेज, वो भी एक ग्रेट पॉसिबिलिटी है जब फ्लड जाते हैं और उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक से चीज़ ना जाए, करंट हो सकता है, उसके अंदर डाइव ना करें और ना ही कोई गाड़ी चलाए उसके अंदर। और फिर हम सेवेंथ पॉइंट पे देख सकते हैं, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रोड्स गेट स्प्लिट, वो क्या हो जाते हैं, दो दो हिस्सों में बटने लग जाते हैं, उनके बीच में क्रैक्स आ जाती हैं, और जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, वो टोटली जो ट्रेन होती है वो ट्रैक्स के ऊपर से छोड़ के नॉर्मल ज़मीन पे चलने लग जाती है, और फिर उसके वजह से ट्रेन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं दोस्तों। तो इसके कारण आप देख लो कि कहाँ फर्दर सेफ रोड है, और उसी रोड से अगर आप कभी भी इमरजेंसी में अर्थक्वेक के टाइम आप अगर आपकी गाड़ी में हो तो जल्दी से गाड़ी भगा के आपको कहाँ दूर जाना चाहिए अर्थक्वेक के एरिया से दूर। टेक शेल्टर इन एन रिलीफ कैंप, कहाँ तो शेल्टर लो एक कैंप्स में जो गवर्नमेंट ने ऑफर किया है, एज दे प्रोवाइड मेडिसिन फूड पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट एड एक्सेट्रा, वो क्या करते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फूड पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। अभी क्या, अगर आपको फायर से बचना है तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको यूज़ करने चाहिए, और अर्थक्वेक के टाइम टेबल के नीचे जाके बैठ जाना चाहिए जैसे मैंने आपको कहा था। अभी हम आ जाते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग के ऊपर, इफ़ अ पर्सन इज ब्लीडिंग फर्स्ट मेक हिम सिट डाउन और लाय डाउन कंफर्टेबली, कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबव द लेवल ऑफ द हार्ट एंड क्लीन इट विद वाटर। अभी क्या करना है, जब सबसे पहले अगर आपको कोई दिखता है कि जो वो ब्लीड कर रहा है तो आपको क्या करना है, पहले उसको ऐसे एक उसका पैर सबसे ज़्यादा ऊपर ले जाए, क्योंकि हार्ट इसको इजीली ना कर पाए कि वो क्या कर पाए, जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए और आपको थोड़ा और ज़्यादा और ज़्यादा टाइम मिल जाए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या करना है, फिर आपको जो आप आगे करते हो उसको रोक देना या उसको कॉटन से उधर बांध देना, वो आपको करना चाहिए। और फिर हम देखेंगे बर्न्स और स्केल्स के बारे में, माइनर बर्न्स, द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर और हेल्ड अंडर वाटर, गिव द विक्टम वाटर टू ड्रिंक, उसे पानी दो पीने के लिए, क्लीन द वूंड्स यूजिंग अ कॉटन टेप सोक्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑनमेंट्स, कवर वाउंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसेस। अगर अगर किसी को आग लग भी गई है तो क्या करें, उसे उसके पीछे कोई कपड़ा रख दे, उसे ज़मीन पर रोल करने के, और फिर उसे पानी से उसे धो दे, जल्दी से पानी बुझा दे, विक्टम को पानी दे, क्योंकि उसके अंदर अभी आग लगी थी तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो उसे पानी पिलाने दे। और फिर अगर सीरियस बर्न्स हो तो गिव हिम इमोशनल सपोर्ट, उसे सपोर्ट दो कि हाँ तू इसे सर्वाइव कर जाएगा, कवर द वाउंड्स विद स्टीरियल क्लोथ्स, रिमूव ज्वेलरी शूज एक्सेट्रा इफ इजिली पॉसिबल, डू नॉट टच और बर्स द ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑलमेंट्स, डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ ऑफ इफ इट इज स्टक टू अ बर्न स्टेन, इफ अ पेशेंट इन इज कॉन्शियस गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफी और एनी अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स, गेट मेडिकल एड वंस। उसको चाय या कॉफ़ी जैसी चीज़ें ना दो, उसे सबसे पहले पानी दो, और फिर उसके ऊपर अगर कोई भी कपड़ा उसके जहाँ पे उसको जला है वहाँ पे चिपक गया है तो उसे हटाने की कोशिश ना करना, जैसे आप हटाने की कोशिश करोगे वो आदमी को के साथ वो कपड़े के साथ वो आदमी की जो जितनी वहाँ पे स्किन अटैच्ड है वो भी आ जाती है। अभी सनस्ट्रोक के टाइम आपको क्या करना है, When we work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason of sunstroke. Remedical measures, take the patient to a cooler place
or in a shade. Sponge a whole body with a cold water. Place a cold soak in water on the neck. Give plenty of water or liquid like sherbets to drink. If the patient feels like vomiting, make him lie prone, that is on his or her abdomen with her head turned on the one side. Get medical help or shift the patient to an hospital. अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, जब सनस्ट्रोक हो जाता है तो अभी पहले उसको एक ठंडी जगह पे लेके जाना है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी आपको उसको एक स्पॉन्ज से उसके ऊपर टैप टैप करते जाना है, और फिर उसके गले के ऊपर एक ठंडा कपड़ा जो पूरे आइस वाटर में डूबा उसके उसके गले पे रखना है। फिर शरबत या पानी उसे बहुत ज़्यादा दीजिए कि उसे जो उसके अंदर की जो वाटर लॉस हुआ है वो वापस रिकवर हो जाए। अगर उसको वॉमिटिंग जैसे हो रही है, एक तो उसे वॉमिट करने दे, या उसे उसे उसके पेट के ऊपर सुला के उसका एक साइड जो फेस है उसको एक साइड टर्न करा के उसे वहाँ पे लेटा दे। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। एक तो मेडिकल हेल्प लिए या उस वो पेशेंट को सीधा हॉस्पिटल में पहुँचा दो। स्नेक बाइट, देर आर नियरली 20 स्पीशीज ऑफ स्नेक। ओके, हम सीधा क्या देखेंगे, जो मेजर्स हैं हम उनकी सेफ्टी के बारे में देखेंगे। वॉश द वुंड विद वाटर, गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, टाई अ क्लोथ टाइटली अबाउ द वाउंड, गेट इमीजिएट मेडिकल हेल्प। अगर आपको एक जगह पे किसी ने सांप ने डस लिया है तो उसके ऊपर जल्दी से एकदम टाइट से बांध दो, और उसे जो हैंड वॉश या पानी के साथ उसे उसका मिक्सचर लगा के उसके ऊपर धोते रहो। उसको दर्द बहुत ज़्यादा होगा, पर उसकी सेफ्टी के लिए उसको इमोशनल सपोर्ट दो कि वो उसे सर्वाइव कर जाएगा, और उसके ऊपर एक टाइट से क्या बोलते हैं पट्टी बांध दो या कोई भी क्लॉथ बांध दो, जिसके कारण क्या होगा जो वेनम है वो उसी पार्ट में रहे और उसके ऊपर वाले बॉडी पार्ट में नहीं जाते। तो दोस्तों अगर एक डॉग बाइट कर लेता है तो क्या करना है, उसका जो रिस्क है इन्फेक्शन हमारे ब्लड के थ्रू जा सकता है, एक तो हमें रेबीज हो सकता है। वॉश द वुंड अराउंड, ये सारी चीज़ें पोटाशियम के साथ करनी है विद द सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम। ये चीज़ें हम लोगों ने स्नेक के साथ पोटाशियम यूज़ मत करना, उसको बस पानी के साथ धोना है। जब डॉग बाइट करता है उसके बहुत ज़्यादा सिमिलर स्नेक्स के साथ भी होते हैं। Cover the wound with clean and dry cloth. Get doctor's help and an injection of an anti-rabies vaccine. आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।